हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? हम तो यहीं अच्छे हैं, आप लोग भगवान के दुआ से अच्छे रहें। तो हाँ, राधिका, तुम तो समर के साथ चली आई हो। अब तुम्हारा पापा जो आए हैं, हम तुम्हारे पापा को बोल रहे हैं। आप जो बोले मेरी बेटी यहाँ चली आई, मुझे पता नहीं है। तो आप बोलिए, आपका बेटी 2 दिन से आपको पता नहीं है, इधर 2 दिन आगे आई है। 1 घंटा के लिए भी देर होता है ना, तो अपने बच्चे को खोजने लगते हैं कि कहाँ गई। तो आप मारे बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, अब यहाँ है तो चलो भाई, अपना बेटी अपने घर ही गई है। ये बात तो गलत बोल रहे हैं, आपको तो खोज करना चाहिए। खाली अनुमान लगाने से थोड़ी होगा। अरे रहा सवाल समर का, समर जो ले आए हैं बाज़ार में, मैंने बोला मार्केट चलो, मार्केट में देखा करें, तो वहाँ से टान के ले आए हैं। ठीक है, उसका वाइफ है, वो ला भी सकते हैं, किंतु गलत है आपके बेटे के। राधिका जो चली आई, वो तो बोलता ना कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, मेरे मम्मी पापा सब पूछो, चलिए मेरे घर। तो मेरे घर से पूछ कर आप वहाँ से लेकर आओ। अब उसका तो काम है, समर का वही काम रहा। गुनगुन चली गई, राधिका, राधिका चली जाएगी, गुनगुन, यही काम है समर का। ठीक है, 1 महीना 2 महीना गुनगुन से काम है, फिर 1-2 महीना 3 महीना फिर राधिका से काम है। उसका यही चलते रहेगा सदियों। ठीक है, गुनगुन के तो नाम का शादी कराया गया ना, गुनगुन का नाम का शादी कराया गया। ठीक है, तो आप जो इतना हाइपर हो रहे हैं, आपको हाइपर होने से क्या होगा? आप तो अपना बेटी, मैंने क्या बोलो, उसका हस्बैंड, वो भी चली आई, चलो भाई चले। तो वो तो बार बार माफ़ी मांगता है, ये करता है, सॉरी बोल के वो अपना काम निकाल लेते हैं। तो देखिए आगे क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।